हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्पोर्टी सेगमेंट स्कूटर होंडा ग्राजिया रैप्सोल एडिशन, जो के अवेलेबल हो गया है सुबनशाही होंडा पे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, ये मोटो जीपी एडिशन है। जैसे कि आप देखा होगा, जो होंडा की हाई एंड बाइक्स है उसी का यहाँ पर ग्राफिक्स को यूज़ किया गया। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये ग्राजिया एक रेगुलर एडिशन भी आता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो किस तरीके से। यहाँ पर इसका बेस वेरियंट है। सो बेसिकली यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको सिंगल ब्लू कलर मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। बट वो रैप्सोल एडिशन है, वो एक स्पोर्ट प्रीमियम एडिशन है जहाँ पर आपको न्यू ग्राफिक्स मिल जाते हैं, बट जो आपकी पावर, परफॉर्मेंस, जो एक्सपीरियंस है, जो कंफर्ट है, वो आपको ऑलमोस्ट सेम मिलने वाला है। दोस्तों, प्राइस की बात करेंगे एंड में, बिकॉज दोनों का प्राइस बिल्कुल डिफरेंट है। तो चलिए हम डिटेल में रिव्यू करेंगे रैप्सोल एडिशन करेंगे यहाँ पर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की। सो भाई, यहाँ पर आपको 125 सीसी एयर कूल्ड इंजन मिल जाता है जो आपको हाईवे प्लस लोकल स्ट्रीट पर काफ़ी अच्छा माइलेज ऑफर करने वाला है। डेफिनेटली यहाँ पर 45 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज आपको मिल जाएगा। दोस्तों, प्लस पॉइंट ये है कि ये होंडा का स्कूटर है। तो हम सभी जानते हैं होंडा की जो टेक्नोलॉजी होती है, होंडा की जो ड्यूरेबिलिटी होती है, रिलायबिलिटी होती है, वो काफ़ी अच्छी होती है, बिकॉज काफ़ी हाई एंड बाइक्स हैं होंडा के। तो दोस्तों, वहाँ पर सेम टेक्नोलॉजी आपको मिल जाती है 125 सीसी स्कूटर में। उसी के साथ साथ हम डिटेल में रिव्यू करेंगे इसका कि भाई यहाँ पर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में आपको एग्जैक्ट टॉर्क क्या मिल जाता है। सो बेसिकली जब आप इसको हाईवे पे लेके निकलेंगे तो आपको क्या पावर परफॉर्मेंस मिल जाती है। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर स्पोर्ट सेगमेंट का होने के बाद भी यहाँ पर जो कंफर्ट है ना, वो काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। जैसे कि आप देख रहे हैं, काफ़ी बड़ी सीट है राइडर प्लस पिलियन के लिए। सो अगर आप डेली आप ऑफिस जाते हैं अपनी वाइफ के साथ, अपनी सिस्टर के साथ, तो काफ़ी सही ऑप्शन है, बिकॉज इसका डिज़ाइन है, इसके ग्राफिक्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। उसी के साथ साथ जो इसका ओवरऑल माइलेज है वो भी बेटर मिल जाता है। दोस्तों, यहाँ पर आपको 125 सीसी सेगमेंट में सबसे बेस्ट स्कूटर मिलता है। दोस्तों, इस स्कूटर के सिर्फ दो ड्रॉबैक हैं कि यहाँ पर आपको ब्लूटूथ नहीं मिलता है, उसके साथ मोबाइल चार्जर नहीं मिलता है। दोस्तों, ये काफ़ी कॉमन हो जाता है कि आप बाहर से भी इंस्टॉल करा सकते हैं मोबाइल चार्जर। उसी के साथ साथ दोस्तों, यहाँ पर आपको LED का सेटअप मिल जाता है, LED लाइटिंग सेटअप मिल जाता है। मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर इसकी हेडलाइट है। सो फ्रेंड्स, फ्रंट में आपको LED हेडलाइट मिल जाती है। उसी के साथ दोस्तों, यहाँ पर आपको DRLs मिल जाते हैं, ये इसके भी DRL है। मैं आपको कंप्लीट हेडलाइट ऑन करके दिखाता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर आपको कंप्लीट हेडलाइट दिख रही होगी, अभी डे है तो आपको इतनी क्लियर नहीं दिख रही होगी, बट काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है। जो इसका एरोडायनामिक डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लग रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं, और जो इसके ग्राफिक्स है ना, वो इसको बिल्कुल डिफरेंट बना देते हैं। दोस्तों, हम बात करेंगे यहाँ पर टायर साइज़ की। तो दोस्तों, फ्रंट में आपको 12 इंच का अलॉय मिल जाता है विद डिस्क ब्रेक। निसन का यहाँ पर डिस्क ब्रेक मिल जाता है, सीएट के यहाँ पर टायर मिल जाता है। टायर की जो ग्रिप है वो काफ़ी अच्छी है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। दोस्तों, मुझे यहाँ पर जो सबसे प्लस पॉइंट लगा वो इसके ग्राफिक्स हैं, कि ग्राफिक्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। उसी के साथ साथ दोस्तों, यहाँ पर आपको फुल्ली डिजिटल स्पीडोमीटर मिल जाता है, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। काफ़ी अच्छा क्लासिक लुक में यहाँ पर फुल्ली डिजिटल स्पीडोमीटर मिल जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर जब आपका आएगा तो इस तरीके से PGMFI होगा मेंशन। यहाँ पर 92 किलोमीटर पर आर की टॉप स्पीड है इसकी। सो काफ़ी सही ऑप्शन है यहाँ पर 125 सीसी में, बिकॉज यहाँ पर जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी बेटर है। जैसे कि आप देख रहे हैं, स्विचेस की जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर आप जैसे ओवरऑल देखेंगे, जो बिल्ड क्वालिटी है वो आपको ड्यूरेबल मिल जाती है। उसी के साथ साथ दोस्तों, यहाँ पर आपको अलग से स्विच मिल जाता है फ्यूल कैप के लिए और सीट के लिए। जब आप सीट को प्रेस करेंगे तो आपकी सीट ओपन हो जाएगी, जिसके इस तरीके से है। यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है। सो आपका बड़े वाला हेलमेट इजीली आ जाएगा यहाँ पर, जो कि आप देख भी रहे होंगे, जो फुल फेस हेलमेट है। सो ओवरऑल काफ़ी सही स्कूटर है स्पोर्ट सेगमेंट में, जहाँ पर आपको स्पेशियस स्कूटर मिल जाता है, जैसे कि आप देख भी पा रहे होंगे। उसी के साथ साथ दोस्तों, अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर जो ग्रिल है ना, वो काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी है। जैसे कि आपने देखा होगा, ये जो ग्रिल है वो इसके डिज़ाइन को काफ़ी इन्हेंस करती है। यहाँ पर आपको रेयर में हेलोजन बल्ब मिल जाता है, बट जो इसकी जो ग्रिल्स है ना, वो इसके डिज़ाइन को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देती हैं, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट बना देती हैं। और इस स्कूटर में प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पर जो इसके ग्राफिक्स है ना, मेन सेलिंग पॉइंट है कि यहाँ पर आपको डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूटर मिल जाता है। अगर हम कंपेयर करें एंटॉर्क से, अगर हम कंपेयर करें एक्सेस से, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सही ऑफर मिल जाता है, काफ़ी सही यहाँ पर आपको फीचर्स मिल जाते हैं। उसी के साथ साथ आपको यहाँ पर स्मॉल कैबिन स्पेस मिल जाता है, जहाँ पर आप अपना बेसिक सामान रख सकते हैं, गर्ल्स अपना बेसिक कॉस्मेटिक का सामान रख सकती हैं, जो कि मुझे काफ़ी सही लगा, बिकॉज यहाँ पर जब इसको आप क्लोज करेंगे तो ये पता भी नहीं लगता है। उसी के साथ साथ अब बात करेंगे यहाँ पर कम्फर्ट की। भाई, यहाँ पर काफ़ी
हाईवे पे जाते हैं स्कूटर को लेके, तो काफ़ी सही आपको यहाँ पर लैग स्पेस मिल जाता है। तो आपको जब भी आप लेफ्ट राइट करेंगे तो कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। यहाँ पर भी आपको ऑटो स्टार्ट मिल जाता है, तो बेसिकली आपकी रेड लाइट पे स्कूटर बंद हो जाएगा। और जैसे ही आप इसको स्टार्ट कर देंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट ब्रेक प्रेस करना है और एक्सेलरेट करना है, आपका स्कूटर मूवमेंट में आ जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं काफ़ी सही फ्यूल सेविंग ऑप्शन है, जो कि काफ़ी सही आपका फ्यूल सेव करेगा। उसी के साथ साथ दोस्तों, जो उसका जो कंसोल है ना, वो काफ़ी ज़्यादा कंसोल है ना, वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। जो यामा का एरोक्स है 150, सेम वही कॉन्सेप्ट रखा गया है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उसी के साथ साथ दोस्तों, जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। आपको यहाँ पर बेसिक हुक्स मिल जाते हैं, जो ग्रोसरी हुक्स होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मिल जाता है। उसी के साथ साथ दोस्तों, यहाँ पर भी आपको फोल्डेबल हुक मिल जाएगा। आप इसको अप डाउन कर सकते हैं, जिससे कि यहाँ पे आपको ग्रोसरी हैंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। उसी के साथ साथ यहाँ पर भी आपको मिल जाता है। सो ओवरऑल काफ़ी सही स्कूटर मिल जाता है आपको होंडा की तरफ से, होंडा ग्राजिया रैप्सोल एडिशन, जो कि काफ़ी सही ऑप्शन है 125cc सेगमेंट में, बिकॉज होंडा काफ़ी रिलायबल, काफ़ी ट्रस्टेबल ब्रांड है। सो दोस्तों, यहाँ पर अगर आप प्लान कर रहे हैं 125cc स्कूटर, सो इस स्कूटर को आप डेफिनेटली रिकमेंड करें, एक बार इसका टेस्ट राइड बुक करें। मैं बात कर रहा हूँ सुबन शाइन होंडा से, जहाँ पर आपको होंडा के सारे टू व्हीलर्स मिल जाते हैं, बट अभी मैं बात कर रहा हूँ रैप्सोल एडिशन होंडा ग्राजिया की। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।